कलाम जो भी शायर कलाम लिखता है उसके कलाम के अंदर कोई ना कोई तशबीह होती है, और तशबीहात में जितनी ज्यादा दूर की तशबीह लेकर शायर आता है उतना उसके कलाम की कीमत ज्यादा हो जाती है। आओ जरा देखो, चूंकि ये जो दूल्हा होता है दूल्हे के अंदर, तवज्जो से सुनिए, दूल्हे के हवाले से तशबीह के अंदर एक खास राज है, और वो खास राज ये है कि दूल्हा एक होता है पूरा मोहल्ला उसके लिए सजना है, जितने मेहमान है मकसूद दूल्हा है। जाता है बाहर में किसी को कोई पता नहीं होता, उधर शादी खत्म हुई उधर कनाते उठ गई, उधर शादी खत्म हुई उधर वलीमे खत्म हो गए, उधर शादी खत्म हुई वो जो सजावट थी वो सब कुछ क्लोज हो गई, लेकिन कायनात के अंदर एक ऐसा दूल्हा है कि वो है अकेला। शादियां जमीनों पर भी है, शादियां आसमानों पर भी है, वो दूल्हा एक है, खुशियां कुल जहान में हैं, और सबसे बड़ी बात सदियां बीत गई हैं, रौनक भी खत्म नहीं हुई, बस्त के अंदर वो जोश भी खत्म नहीं हुआ, वो कमाल भी खत्म नहीं हुआ। और वो दूल्हा कौन है? वो दूल्हा ज़हरा का बाबा हसनैन का नाना, तेरा मेरा नबी है। मेरे आला हजरत उसी तशबीह में फरमाते हैं कि दोनों आलम का मुतल्लकात में भी, मेरे नबी की जात जैसी किसी की जात नहीं, मेरे नबी की सिफात जैसी मखलूक में किसी की सिफात नहीं, मेरे नबी के मुतल्लकात जैसे किसी के मुतल्लकात नहीं। शायद समझना ही हो तो यूं समझो, ओए हबशे का बिलाल था सैयदना बिलाल हो गया, क्यों नबी का ताल्लुक मिल गया है? माशाल्लाह माशाल्लाह। रूम का सुहैब था सैयदना सुहैब रूमी हो गया है, फारिस का सुलेमान था सैयदना सुलेमान फारसी हो गया है। वजह क्या है? मेरे नबी की जात जैसी किसी की जात नहीं, मेरे नबी की सिफात जैसी किसी की सिफात नहीं, मेरे नबी के मुतल्लकात जैसे किसी के मुतल्लकात नहीं। अरे लोगों जरा सोचो तो कि नन्ना सा बच्चा, छोटी सी उम्र, तवज्जो, छोटी सी उम्र, और सहाबा का इमाम अबू बकर खड़ा हो रहा है, अबू बकर बच्चे के आगे क्यों खड़े होते हो? जवाब आता है, इसे बच्चा न कहो, ये मुस्त
मुस्तफा का नवासा हसन मुस्तफा।